हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव गार्डनिंग। आज बात करेंगे फ्रेंड्स हम मनी प्लांट की। देखिए, मनी प्लांट की डाल थोड़ी लंबी हो गई है और इसे या तो मैं नीचे फ्लोर पर फैलाऊं या फिर मैं इसके लिए एक स्टिक खरीद कर लाऊं, पर मैं अपनी गार्डनिंग को महंगा नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने मॉस्टिक का एक घरेलू जुगाड़ ढूँढा है। अब आप कहेंगे ये घरेलू जुगाड़ क्या है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग घरेलू जुगाड़ से मनी प्लांट के लिए मॉस्टिक। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्टिक और आपको चाहिए होगी ये कोको कॉयर, नारियल के छिलके, थोड़ी सी कंपोस्ट और ये स्क्रबर। इस स्क्रबर की जगह आप पुरानी मच्छरदानी का नेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कोको कॉयर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए। अब इसके ऊपर कंपोस्ट डालिए। कंपोस्ट डालने के बाद फिर से इसको थोड़ा सा मॉइस्ट कर लीजिए। हमने कंपोस्ट का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब इसमें मनी प्लांट की जड़ें अंदर जाएंगी तो उन्हें अगर खाद मिलते रहेगी तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको इस तरह से लपेटने के बाद आप इसे सुतली से या फिर किसी और धागे से बांध लीजिए टाइट से। एक लेयर को अच्छे से बांधने के बाद आप दूसरी लेयर भी उसी तरह सेम प्रोसेस से तैयार कर लीजिए और दूसरी लेयर को इसके नीचे लगा दीजिए। इसको अच्छे से बांध लीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा ढीला मत छोड़िएगा, नहीं तो ये कोको कॉयर निकलना शुरू हो जाएगी तो फिर ये हमारी स्टिक ख़राब हो जाएगी। अच्छे से एडजस्ट करके आप इसे बांध लीजिए। आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी स्टिक बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे तैयार कर लिया है। आप चाहे तो ऐसे ही इसको लगा सकते हैं। अब इसमें लगाएंगे उस स्क्रबर की नेट। देखिए फ्रेंड, मेरे स्क्रबर का नेट तो फटा निकल गया, पर कोई बात नहीं, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। मैंने इसको इसलिए लगाया है ताकि कोको कॉयर बाहर ना निकले, पर इसने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है तो इतनी बड़ी बात नहीं है ये। चलिए अब इसको लगाते हैं अपने गमले में। देखिए फ्रेंड्स, इसको गमले में आप लगा दीजिए, प्लांट से थोड़ा दूरी पर लगाइएगा। देखिए मेरे गमले में दो प्लांट लगे हैं पहले से ही, एक क्रोटॉन लगा है और एक मनी प्लांट लगा है। दोनों ही प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। क्रोटॉन को मैंने कटिंग कर दिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम मनी प्लांट को चढ़ाएंगे। आप चाहें तो धागे की मदद ले सकते हैं इसको कुछ दिन टिकाने के लिए। कुछ दिन के बाद इस मनी प्लांट की जड़ें जो हैं वो इस कोको कॉयर की स्टिक को अच्छे से अंदर पकड़ लेंगी और अंदर हमने कंपोस्ट डाली थी इसलिए वो अच्छे से ग्रो करेंगी। आप देखिएगा, आप कुछ दिनों के बाद आपके मनी प्लांट के पत्ते थोड़े बड़े ग्रो करेंगे। अगर आपको ये देसी जुगाड़ पसंद आया हो और अगर आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।